बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग YT व्लॉग, आई एम योर ब्रदर चॉइस सोहेल। आप देख रहे हैं YT व्लॉग, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के करम और फजल से खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होंगे। हम भी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। आज एक बहुत अच्छा दिन, सैटरडे का, तो हम अभी फ्रेश आए थे, सोचा कि एक व्लॉग हो जाना चाहिए आप सब के लिए कि आपको भी दिखाया जाए पबी फॉरेस्ट। स्नेर खारियाँ के शहर के पास पीछे है थोड़ा, यूटी रोड के ऊपर ही वाकई है। तो आपको दिखाएंगे तमाम चीज़ें। ये सबसे पहले देखें, छोटी सी मस्जिद है इधर, अभी नमाज पढ़ी है इधर। ये वज़ू खाना माशाल्लाह छोटा सा खूबसूरत, साथ मस्जिद, ये साथ सारा एरिया आपको दिखाते हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो सब परिंदे वापस अपने घोंसलों में आ रहे हैं, आप जैसा देख सकते हैं। फॉरेस्ट पबी फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत जगह, ये ग्रीनरी वाली जगह है। तो अभी आपको दिखाते हैं सारा माहौल। आप देख सकते हैं इधर ज़्यादा तक लोग जो हैं वो सुबह के टाइम आते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए लोग इधर बहुत मुनासिब जगह है। क्योंकि हर तरफ आप देख सकते हैं दरख्त ही दरख्त हैं और सब्ज़ा ग्रीनरी इतनी है कि आंखों को ठंडक मिलती है। तो ज़्यादा तक लोग जो हैं वो एक्सरसाइज के लिए मुनासिब जगह है, बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है एक्सरसाइज के लिए। तो तमाम लोग आएँ इस जगह का विज़िट करें, अच्छी जगह। अभी और भी देखते हैं कहीं और क्या सिस्टम है। ये बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है इन्हें बैठने की भी, बैठ के आप रेस्ट कर सकते हैं। साथ में कि अपने इंतज़ामिया के होम गार्ड भी हैं। अच्छा, वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं ना, मैं व्लॉग बनाने का मुझे ख्याल ही ऐसे आया सॉरी व्लॉग बनाने का मुझे ख्याल ही ऐसे आया कि मैं, क्योंकि हम लोग हर जगह जाते हैं तो जो बंदा किसी जगह ना गया हो ना तो उसे देखने का मौका मिल जाता है। जैसा कि मैं इधर पबी फॉरेस्ट में आया हूँ, जिस भाई ने पबी फॉरेस्ट नहीं देखा वो भाई भी देख लेगा, क्या कि एक मेरे क्लिक की वजह से वो भाई पबी फॉरेस्ट देख लेगा थोड़ा बहुत। अगर आप लाइव आके नहीं देखा तो थोड़ा बहुत मोबाइल पे आप देख लेंगे, कहीं और जगह पे गए हैं, किसी जगह पे भी गए हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे अप्रिशिएट करें, आप नहीं यार, आप वीडियो बनाते हैं आप एक लाइक दे दें, कमेंट कर दें, माशाल्लाह ठीक है नाइस, ये वो बात यह है कि कोई भी है बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो अपलोड होती हैं, व्लॉग वगैरह बहुत मेहनत के बाद बनते हैं, ये इजी काम नहीं है भाई। तो कहने का मकसद ये है कि भाई लाइक वगैरह किया करें हर किसी को, काम को अप्रिशिएट किया करें, सराहा करें कि अच्छा काम आप कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं बताया करें। तो आप दोस्तों को हर जगह इसलिए दिखाते हैं कि अगर हमने देख लिए तो हम वीडियो बनाएंगे, हमारा कुछ नहीं जाता, हम आपको भी दिखाएंगे। तो लाइक करना आपका काम है। तो उम्मीद करते हैं हर वीडियो जो आपको अच्छी लगती है आप लाइक करते हैं और इंशाल्लाह ये वीडियो भी लाइक करेंगे। तो
ये पबी फ्रेश जो है ना, असल में ये इधर जो ज़्यादा पहले था ना, वो बहुत ही घना जंगल था, बहुत मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि मतलब इनके पास आगे पीछे कोई ऐसी जगह नहीं थी जो यहाँ पे अभी रिहायशी हैं। तो इन्होंने सोचा, इंतज़ामिया ने सोचा क्यों ना इधर ही फॉरेस्ट को कोई नाम दे के इसमें कोई मतलब कि थोड़ी सी इंटरटेनमेंट जैसे कहते हैं पिकनिक वगैरह की कोई जगह मुनासिब कर दी जाए। तो फिर उन्होंने इधर काम शुरू किया। क्या किया उन्होंने कि अंदर से दरख्त काटे हैं, थोड़े से जगह सेट की अपना, इन्होंने थोड़े दो तीन इदारों, इस इदारे ने दो तीन अपने दफ्तर बनाए और इन्होंने काम शुरू कर दिया। और अब देख लें इतनी खूबसूरती है इस जगह पे, ये पता चल रहा है कि पता नहीं हम किस कंट्री में आ गए हैं, क्योंकि पक्का। ओह माय गॉड, वाओ। जाए दीजिए तेरे इंशाल्लाह किसी अच्छे से व्लॉग के साथ तेरा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।